जी 9.3 एक्सरसाइज है जो बच्चों हमारे पास। पहले क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ो अच्छी तरीके से। एक से पांच तक प्रत्येक प्रश्न में स्वच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाली अवकल समीकरण याद करो। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है और उसमें जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है ए बी या कुछ इसके अलावा भी कुछ अगर आ जाए, ठीक है, तो हमें उन्हें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है। तो हम आपको करके दिखाते हैं, हटाना है। तो आपको फंक्शन दिया है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगा। स्वेच्छ बराबर एक, छोड़ दे दो, क्या हो गया, स्वेच्छ अपनी इच्छा से मान दो, जो नहीं करवाता ना वो नहीं आता कभी, ठीक है बच्चों। ये आपको एक क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है या अवकल समीकरण दी हुई है, फंक्शन। अवकल समीकरण या जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी क्या निशानी होती है, उसमें आपको डीवाई बाई डीएक्स दिखेंगे, लेकिन ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है। वो कह रहा है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है, यानी अवकल समीकरण बना के दिखाओ। अवकल समीकरण का मतलब है एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो ये फंक्शन उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। वो बनाने के लिए आपको ये जो फंक्शन होता है इसके डिफरेंशिएशन करने होते हैं, अवकलन करने होते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन है। एक खास बात देखो, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है वाई बराबर एक्स की पावर तीन, फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स किया तीन एक्स स्क्वेयर, फिर मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स टू किया, ये आ गया तीन दूनी छः एक्स, फिर मैंने किया डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स की पावर थ्री, ये आ गया छः, फिर मैंने चार वाला कर दिया, चौथा अवकलन किया इसका, फोर्थ डिफरेंशिएशन जीरो, फिर मैंने इसका पांचवा किया, पांचवा करेंगे तो भी जीरो, छठा किया तो भी जीरो। अब बात है ये जो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करता है ना, इसका तीन बार अवकलन करूंगा तो क्या छह ही आएगा, इसका चार बार अवकलन करूंगा तो क्या जीरो ही आएगा, आएगा आया ही हुआ है, पांच बार करूंगा तो भी, छह बार करूंगा तो भी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही फंक्शन की इतनी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यानी कोई ना कोई कंसेप्ट चेंज हो रहा है या कंसेप्ट गलत हो रहा है। बच्चों किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे वो तो वो कभी ना कभी तो जीरो होना ही है। सारे फंक्शन जीरो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर अपने बात करें ऐसे तो अपने डिफरेंशिएशन करते ही रहेंगे। हमें क्या कोई ऐसा टारगेट दिया गया है या कोई ऐसी कंडीशन दी गई है कि इतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना है और इतनी बार के अंदर ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है? तो वो जो कंडीशन है वो ये है कि जितने आपके पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं आपके पास उतने ही चांस है। सिर्फ आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, स्वैच्छिक चर ए और बी, दो है ना, तो दो चांस है आपके पास, एक तो डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इन दो चांसेस के अंदर आपको इन ए और बी को खत्म करना है, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तेरे से पूछा है क्या मैंने, जो हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन था उसमें पूछा था ना कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके फंक्शन में कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं, पूछा था ना, तो यही तो था कि ये जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना डेरिवेटिव होंगे, दो होंगे, क्योंकि दो चांस है तो दो बार ही डिफरेंशिएशन करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करके ए और बी खत्म करना है, तो इसके फंक्शन में आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने हैं, दो ही है, दो कॉन्स्टेंट है तो दो चांस है। अब ये होगी बातें, तो मैं तुमको करके दिखाता हूं, दो चांस है, दो चांस में ए और बी खत्म करना है। पहला चांस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का हो गया एक, ये बटे वाला ए एज इट इज, ये बटे वाला बी एज इट इज, वाई का हो गया बच्चों डी वाई बाय डी एक्स इक्वल में एक है, एक का हो गया जीरो, एक बटा बी डी वाई बाय डी एक्स, ये इधर आ गया बच्चों माइनस का एक बटा ए, डी वाई बाय डी एक्स माइनस बी बटा ए, बी इधर आ गया। अब हमारे पास एक चांस हो रहा है अभी डिफरेंशिएशन करने का, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, बी बाई ए का क्या हो गया जीरो। दो चांस थे, दो चांस में ए और बी खत्म कर दिया, देखो कर दिया ना। एक और करके दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो,
वाई स्क्वायर इक्वल ए ये है, कितने कॉन्स्टेंट है दो, दो चांस है ठीक है। वाई स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स। हाँ जी पहले अब देखो, अभी मैं यहीं से करूं, अभी नहीं, अब पहले आपको सोचना है। नमाज चल रही है देखिए बच्चों, पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, ए बी स्क्वायर का जीरो हो गया कांस्टेंट है, माइनस ए मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों टू एक्स। अब हमारे पास ये देखो, टू से टू तो कट गया, वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल का माइनस का ए एक्स ठीक है। अब हमारे पास एक चांस और है ठीक है, कैसे होगा जीरो, अभी अगर कर दिया तो ए एक्स का तो ए हो जाएगा, वाई इधर ले आए फिर कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, एक बार एक्स के कर दिया एक बार वाई के कर दिया ठीक है। देखो बच्चों, मैं एक्स को इधर ले आता हूं, देखो ये वाई बाय ए एस वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो इधर सिर्फ ए रह गया ना, अब अपने करेंगे ठीक है। तो तुमको ये बात याद रखनी है, जब एक ही रह जाए तो बाकी सभी को इधर ले आओ, इधर कॉन्स्टेंट रख लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले वाई बाय एक्स का, ये देखो ये एक तरीके से वैसे तो तीन फंक्शन है लेकिन दो मान लेते हैं, एक ये और एक ये। पहले वाई बाय एक्स को छोड़ दिया, डी वाई बाय डी एक्स का करूंगा डी टू वाई बाय डी एक्स टू। हाँ अब डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिया, अब इसमें करूँगा तो यू अपॉन वी लगेगा, अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, वाई का क्या हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स माइनस, वाई को छोड़ दिया, एक्स का क्या हो गया वन, और इसका क्या हो गया जीरो। हाँ बोल, ये वैसे तो दो फंक्शन है, वैसे तीन है वैसे दो है, देख एक तो वाई है, एक बटे में एक्स है, और एक ये डी वाई बाई डी एक्स एक ही है ठीक है, तो तीन हो गए, लेकिन अपने दो मान के चलते एक ही है और एक ही है, यू इंटू वी लगा रहा हूँ। इसको छोड़ दिया पहले, इसका कर दिया प्लस,
अब dy by dx को छोड़ दिया, लेकिन इसका करूंगा तो इसमें तो u upon v लगेगा। u upon v कैसे होता है? अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का कर दिया, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया x का वन। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? अब है ना इधर x स्क्वायर LCM आ रहा है, x स्क्वायर है और इधर बटे में x है, ये नहीं है, ये तो फंक्शन है पूरा ही। इधर बटे में x है, इधर x स्क्वायर है, तो क्या आएगा? x स्क्वायर LCM आएगा, x को x स्क्वायर, तो एक कट गया, एक x रह गया, तो एक्स वाई। ये डबल, इस डबल डेरिवेटिव को बच्चों मैं लिख देता हूँ y डबल डैश, ठीक है, प्लस इसको लिख दिया मैंने y डैश और x y डैश माइनस y इक्वल जीरो, ये डिवाइड वाला इधर चला गया, x y y डबल डैश प्लस y डैश को अंदर लिया, x y डैश इंटू y डैश का होल स्क्वायर, डबल डैश मत लगा देना, y डैश इंटू y डबल डैश का मतलब होता है दो बार डेरिवेटिव, ये तो एक ही बार डेरिवेटिव है, वो अपने से मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर हो जाएगा, और ये y y डैश इससे होगा तो इक्वल में क्या आ गया? जीरो। देखो दो कांस्टेंट थे, दो ही चांस यूज किए हैं, दो ही चांस यूज हुए ना, दो बार ही डेरिवेटिव किया, और क्या हो गया? ए और बी खत्म हो गए लास्ट में। इसको कहते हैं कि किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कंडीशनल, कंडीशन लगी हुई है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ही चांस है, ऐसा नहीं करते ही जाओ। जैसे अब इसका है, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेगा तो भी ए और बी तो खत्म ही है, तो ऐसे थोड़ी इसका करते ही रहेंगे, अपने को रुकना कहाँ पे है जब ए और बी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये नोट कर लो, वाई बराबर ए की थ्री एक्स माइनस टू एक्स। अब बच्चों ये ई की एक्स वाला क्वेश्चन है, सामने देख, इसमें ए की एक्स वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखो, y बराबर a e की 3x प्लस b e की माइनस 2x। अब a की x की खासियत होती है कि उसके जितने मर्जी बार डिफरेंशिएशन कर लो वही आता रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख ले तू एक बार, ये डिफरेंशिएशन की चल रहे हैं, a e की 3x प्लस b e की माइनस 2x है, हमें, हमारे पास दो चांस है, a और b दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो दो चांस है और हमें a और b खत्म करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम करें तो e की 3x का e की 3x, फिर से करोगे e की 3x और ये a मल्टीप्लाई में, ये तो चलता ही रहेगा, इसलिए हमें ऐसे सोचना है कुछ जिससे a और b क्या हो, खत्म हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस e की 2x को बटे मिलाओ, फिर e की 2x आएगा, हाँ LCM, फिर e की 2x इधर आ गया। अब पहली बात तो ये कि b अकेला हो चुका है, हो गया ना, b अकेला हो चुका है, तो अब अगर अपने डिफरेंशिएशन करें तो पहले ये b तो जीरो हो जाएगा, पहले इसको तो करें, चांस तो दो है अपने पास है, एक तो यूज करें, पहले इधर u इंटू बी लगेगा, ये बेस सेम है ना, पावर ऐड होगी, पहले y का dy बाय डी एक्स ए की टू एक्स एज इट इज प्लस y एज इट इज ए की टू एक्स का ए की टू एक्स और टू एक्स का टू इक्वल, a कॉन्स्टेंट है, ए की पाँच एक्स का ए की पाँच एक्स, पाँच एक्स का पाँच, b का जीरो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक चांस है, तो हम पहले इस पाँच ए ई की तीन एक्स का अगर यहीं से कर दिया तो ये तो पाँच तो पड़ा रहेगा, ये गुणा में, तो अपने ये e की पाँच एक्स है इसे भाग दे देते हैं पूरी समीकरण को, e की पाँच एक्स से भाग देने पर dy by dx e की टू एक्स को भाग दोगे तो ये e की माइनस तीन एक्स बनेगा ना, e की पाँच एक्स से भाग दोगे तो 2y इक्वल पाँच ए। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, dy by dx का किया तो d2y टू वाई बाई डी एक्स टू, ये e की माइनस तीन एक्स वैसे का वैसा u इंटू वी लगेगा, प्लस dy by dx वैसे का वैसा e की माइनस तीन एक्स का माइनस के, सॉरी e की माइनस तीन एक्स का e की माइनस तीन एक्स और माइनस तीन एक्स का करेंगे तो माइनस का तीन, ये माइनस लगाया मैंने वो, प्लस 2y का, अब इसमें भी u इंटू वी लगेगा, 2y का 2dy by dx e की माइनस तीन एक्स वैसे का वैसा प्लस 2y वैसे का वैसा, y का कर चुका हूँ, 2y वैसे का वैसा e की माइनस तीन एक्स का e की माइनस तीन एक्स और माइनस तीन एक्स का माइनस तीन और इस पांच का क्या हो गया बच्चों, जीरो। क्या
हाँ 3 × 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, e की माइनस तीन एक्स सभी स्टेप्स में है, तो वो कॉमन लिया मैंने और उसको जीरो के पास भेज दिया, वो जीरो हो गया, ठीक है। तो रह क्या गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 3 dy/dx प्लस 2 dy/dx माइनस 6y इक्वल में जीरो। अब कुछ टाइम में कैलकुलेशन हो रही है, इन दोनों में हो रही है, ये हमारा y डबल डैश माइनस, माइनस के 3 प्लस का 1 तो माइनस का y डैश माइनस के 6y इक्वल में क्या गया, जीरो। तो ये जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई, समझ आई के बात। ए की एक्स वाले क्वेश्चन हो तो ऐसे सोल्व करते हैं, अभी नोट नहीं करना, फोर्थ देखो एक बार, वाई बराबर ए की 2x ए प्लस बी एक्स। पहला काम हमारा ये कि ए की 2x इधर ले आओ, वाई ए की माइनस 2x और ये ए प्लस बी एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें u इंटू v लगाओ, y का dy बाई डी एक्स ए की माइनस 2x एज इट इज प्लस वाई एज इट इज ए की माइनस 2x का ए की माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2 इक्वल, ए का तो जीरो हो गया, बी एक्स का बी हो गया, ठीक है, ए का जीरो बी एक्स का बी, एक्स का एक हो गया ना। अब क्या करना पड़ा है, अब हमारे पास एक चांस और पड़ा है, बस वो चांस यूज कर लेते हैं, बी का जीरो हो जाएगा, हाँ पहले u इंटू बी, इधर भी u इंटू बी, डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू ए की माइनस 2x एज इट इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसा ए की माइनस 2x का ए की माइनस 2x माइनस 2x का माइनस 2। अब ये माइनस का 2y माइनस के 2 डी वाई बाई डी एक्स और ए की माइनस 2x एज इट इज, फिर प्लस, ये प्लस है, ठीक है। या बच्चों जब भी ऐसे करना हो ना, रुको एक खास बात सुनो, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे बाहर रखो, y और e की माइनस 2x में लगाओ u इंटू v, पहले y का कर दिया dy बाई डी एक्स ए की माइनस 2x एज इट इज प्लस y को छोड़ दिया ए की माइनस 2x का ए की माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2, ठीक है, ऐसे कर दिया करो, b का क्या हो गया, जीरो। अब इसको हमें अरेंज करना है, पहले ध्यान से देखो, ई की माइनस 2x 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 कॉमन आया और वो इधर जीरो के पास चला गया, ठीक है। इधर रह गया y2, y डबल डैश लिखो या y2 लिख दो, एक ही बात है, या ये सेम का सेम लिख सकते थे, मैं तो इसलिए तुमको दिखा रहा हूँ ताकि पेपर में क्या होता है, जैसे उसके देख पेपर है उसके अंदर y डैश लिखा हुआ है, अब किसी को पता ही नहीं y डैश क्या होता है, तो उसको पता कैसे चलेगा, वो dy बाई dx है। ये आ गया, ये देखो ये प्लस लेकिन ये माइनस 2 है, तो माइनस के 2 ये dy बाई dx है ना, तो ये y1, ये माइनस के 2 ये है बच्चों y1 और ये है प्लस में y माइनस का 2y माइनस के 2y इक्वल में 0, y2 माइनस के 2y1 माइनस के 2y1 प्लस के 4y इक्वल में 0, माइनस के 2y1 माइनस के 2y1 माइनस के 4y1 प्लस में 4y ये y2 इक्वल में आ गया 0। इन्हें नोट कर लीजिए आप, हो गया, पेन नहीं रुक रहा, बंदा ही स्लो है। हाँ कंफर्म हो गया, पांचवा बोल, y बराबर कौन सा, तो वो तो माइनस का है ना, एक माइनस का एक प्लस का फिर जीरो हुआ है, समझ गया, एक माइनस का 6p की क्यू बन रहा है, एक प्लस का 6p की क्यू बन रहा है ना, कोस एक्स वाला जो है, ठीक है। देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस है, ई की एक्स हमारे पास है, पहले ई की एक्स को उधर भेजेंगे, क्यों भेजते हैं ई की एक्स को उधर, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता, ई की एक्स का अवकलन खत्म थोड़ी होता है, वो तो वही चलता रहता है सेम का सेम, ये ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, दो चांस है मेरे पास,
वाई ई के माइनस एक्स में u इंटू वी लगेगा पहले y का, ई के माइनस एक्स एज इट इज प्लस ई के माइनस एक्स का और फिर माइनस एक्स का माइनस वन, ए कोस एक्स का खोते ये a है ना मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का। अब हमारे पास यहां पर ऐसा कोई चांस नहीं बन रहा है कि साइन इधर आ जाए कोस इधर आ जाए, तो लेकिन एक चांस जरूर बन रहा है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने डिफरेंशिएशन किया यहां से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें फिर से यू इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाय ई की माइनस एक्स एज इट इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स का माइनस वन, ये माइनस बाहर वाई का डी वाई बाई डी एक्स ई की माइनस एक्स एज इट इज प्लस वाई एज इट इज ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स का माइनस वन, इधर माइनस ए कॉन्स्टेंट है साइन एक्स का कोस एक्स, बी कॉन्स्टेंट है कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। अगर बच्चों मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ ये बन गया ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन वन से ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई ए की माइनस एक्स, इसको सोल्व करते हैं। दूसरा चल रहा है ये देख, एक ये हो गया एक ये हो गया, डी टू वाई बाय डी एक्स टू को बच्चों हमने लिख लिया वाई टू, ये ई की माइनस एक्स एज इट इज, ये माइनस का वाई वन ई की माइनस एक्स, इस माइनस को अंदर ले आओ माइनस का वाई वन ई की माइनस एक्स और प्लस ये भी माइनस का वाई ई की माइनस एक्स, देखो हाँ प्लस का हो जाएगा। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये है वाई टू ई की माइनस एक्स, ये है माइनस के वाई वन माइनस के वाई वन माइनस के टू वाई वन ई की माइनस एक्स, ये वाई ई की माइनस एक्स, ये माइनस वाला इधर आ गया प्लस हो गया, ये टू वाई ई की माइनस एक्स इक्वल में क्या आ गया जीरो, ई की माइनस एक्स आ गया बच्चों कॉमन और वो जीरो के पास चला जाएगा, क्या रह जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस में टू वाई इक्वल में जीरो, हो गया ना, करो नोट। वो उधर जाता नहीं है, पूरा कॉमन लेके पूरे डिवाइड में लेके जाके वो पूरा शो करना है। हाँ ये वाला डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये एज इट इज इसको छोड़ दिया, ए की माइनस एक्स का ए की माइनस एक्स का माइनस वन, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, बाहर जब भी माइनस हो और यू इंटू वी लगे तो हमेशा ब्रैकेट में लगाया करो ताकि माइनस की गलती ना हो, इसमें यू इंटू वी लगा दिया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स ये एज इट इज वाई एज इट इज ए की माइनस एक्स का ए की माइनस एक्स का माइनस वन, फिर माइनस अंदर ले कौन सा दो कट्ठे क्यों बोल रहे हैं, पहले वो बोल रहे हैं ना, ये क्या बात हुई, ये तो सेम ही लिखा है इस स्टेप को माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके, इसकी वैल्यू ये रही ना, ठीक है। अब इस खोते को मैं एक ही माइनस एक्स कॉमन लेके भी तो दिखा दूं कैसे लिया जाता है, इधर से अगर अपने कॉमन ले देख एक ही माइनस एक्स ये रह गया वाई टू, इधर से जैसे ई की माइनस एक्स कॉमन ले लिया ये ऐसे लिखा गया ऐसे, ठीक है। छठा क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण फाइंड करो। वाई एक्स को टच करना चाहिए, ये रहा वाई एक्स ये रहा एक्स अक्ष, क्वेश्चन नंबर क्या है ये सिक्स्थ, तो इसमें क्या करना था कि जो फंक्शन जो सर्कल्स हैं सारे के सारे वो वाई एक्स को टच करने चाहिए, वाई एक्स को जैसे ये सर्कल हो गया ये सर्कल हो गया ये सर्कल हो गया, तो वाई एक्स को जो सर्कल टच करेंगे उनका केंद्र कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा, उसका केंद्र क्या होगा ए कोमा जीरो, समझ गए बात को, ए कोमा जीरो, वो थोड़ा ध्यान देना कि वाई एक्स को टच करें केंद्र ए कोमा जीरो होगा, लेट द सेंटर ऑफ जनरल सर्कल इज ए कोमा जीरो ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, जो वाई एक्स को टच करेगा ना उनके सेंटर एक्स एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस को टच करेगा उनके सेंटर वाई एक्सिस पे,
और ये सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास जनरल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर सेंटर एच कोमा के। अभी बनाया था ना बच्चे डायग्राम, जैसे कोई सर्कल है उसका सेंटर एच कोमा के है और उसकी रेडियस आर है, एच कोमा के इसका केंद्र है ना, एच और के कॉन्स्टेंट डिजिट है ठीक है, जैसे 2.3 5.6 ऐसे ही 1.0 है तो एच की जगह ए आ गया और के की जगह क्या आ गया जीरो आ गया, आर की जगह आर आ गया, लेकिन आर यहाँ पर कितनी है त्रिज्या कितनी है ए, तो ए स्क्वायर। अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax आइडेंटिटी लगा दी इसके अंदर और बच्चे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इधर ले आए प्लस का 2ax और ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को इधर ले आए और ये 2a इधर रख लिया ताकि हमारे पास एक ही चांस है, एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है तो एक चांस ही है, तो अब कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें u अपॉन v लगेगा बच्चों, x का स्क्वायर अपॉन वाले का स्क्वायर, अपॉन वाले को छोड़ दिया। अब इसका कर रहे हैं ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y dy by dx प्लस सॉरी माइनस माइनस आएगा u अपॉन v लगा रहे हैं ना, इसको छोड़ दिया इसका कर दिया फिर माइनस इसको छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2a का 0, ये x के डिवाइड वाला इधर चला गया, इसको अंदर लाओ 2x स्क्वायर प्लस 2xy और dy by dx माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल 0, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर प्लस में 2xy dy by dx माइनस में y स्क्वायर इक्वल में 0, अब बन गया क्या देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y1 इक्वल में y स्क्वायर, एक्स एक्स काटा ही नहीं बच्चे, ये x स्क्वायर इधर चला गया जीरो के पास, कर लो थोड़ा सही कर लो सही।